मेसी 241 बड़ा शानदार ट्रैक्टर है भाई। आज इसका रिव्यू करने जा रहे हैं हम, देख सकते हो 3 सिलेंडर इंजन है और 42 HP में। आगे टायर थे 016 के और पीछे 13 के, 13 से 28। साइड में गियर बॉक्स दिया हुआ इसका, ये पास में यही लोग दिया हुआ, ये और लिफ्ट लॉक दिया हुआ है। और कंफर्ट के लिए सीट आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे क्रेव कर लो। ये पावर स्टीयरिंग में नहीं है, शादी के टाइम में है। अब जो नया मॉडल आ रहा है वो तो पावर स्टीयरिंग में आ रहा है। ये 3 सिलेंडर इंजन, ये इसकी कल्चर डबल कल्च में है और चढ़ने के लिए पायदान भी दिया हुआ इसमें। मेसी डबल कल्च में आता 241 और ये इसका हैंड ब्रेक। ये PTO सिलेक्शन के लिए है। इसके 540 चक्कर मनाए हैं, पूरे 2000 RPM पे इसके 540 चक्कर मन जाए PTO के। और ये का स्टेयरिंग, ये लाइट टू हिली दिया हुआ कारो जैसे, ये ऊपर नीचे इसका LED मीटर। ये इसका RPM मीटर है, ये फ्यूल के लिए है और ये टेम्परेचर के लिए, ये बैटरी के लिए, बैटरी बताता है। और यहाँ से बंद होता नीचे है, लिफ्ट कैपेसिटी इसकी लगभग 1600 kg है। गाड़ी बढ़िया दिया उसके साइड में बैठने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल टैंक इसका लोहे का दिया हुआ है, 50 लीटर फ्यूल टैंक इसका। साइड में गियर बॉक्स होने जिसके मेसी में, वो पहला मॉडल जो साइड में गियर आए मेसी के, ना तो मेसी 95-100 हज़ार के आते हैं। कुल मिलाए में शिव 42 HP में बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, ना ही तेल का खर्चा ज़्यादा है, ना इसकी कोई टूट फूट है इसमें इतनी। बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले में इसी बहुत बढ़िया इस श्रेणी में HP में। मेसी का हरेक मोटर में एक्स्ट्रा वेट भी दे रहे हैं ट्रैक्टर के लिए, एक्स्ट्रा वेट 35 kg का दोनों साइड में। ये रहा देख लो 35 kg और इसमें 8+2 का गेयर बॉक्स है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, 8 गेयर आगे लिए और 2 पीछे लिए। हाई लो
एवरेज का भी स्लोप दे सकते हो, इसकी ये डंपर डंपर ट्रॉली वाली है, टिपिंग ट्रॉली वाली है, दबाओ अलग से, और ये टूल बॉक्स दिया हुआ इसका। भाई अगर कुछ रहेगा तो बात करियो, जिसा भी रहा दिया बता, और चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे यार भाई, धन्यवाद दोस्तों, चैनल लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो, धन्यवाद।